हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर ये बात करने आए हैं कि आपकी जो 6 जुलाई को परीक्षा होनी है दो पालियों में, उसमें परीक्षा को देने में जब आप जाओगे परीक्षा को देने तो क्या क्या लेकर के जाओगे, अपने साथ क्या क्या लेकर के जाना है। अगर आप वो लेकर के नहीं जाते हो तो आपको परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि आपने तैयारी करी पूरी तन मन धन लगा करके और आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, ठीक है। तो ये समय ना आने दें, इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हो सकता है कि किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको लेकर के क्या क्या जाना है। जब आप लेकर के जाएंगे तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है COVID-19 का पालन करना है। COVID-19 का पालन आप कैसे करोगे, तो दोस्तों आपको मास्क लगा करके जाना है, मास्क लेकर के जाना है, अपने साथ में लेकर के जाना है, कैरी करके और मास्क लगा करके जाना है, ठीक है। दूसरी बात ये, इतना मौसम सही नहीं है, गर्मी का मौसम है तो आप पानी की बोतल लेकर के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे वहां पर बैठना है, कोई थोड़े टाइम के लिए नहीं बैठना है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर आपको साथ लेकर के क्या जाना है, अगर ये लेकर के नहीं जाओगे तो एग्जाम में आपको बैठने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल बाहर से बाय बाय टाटा, ठीक है। चलो यहाँ पर दोस्तों दो फोटो आपको अपनी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करी थी, वो फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो आपको लेकर के जानी है, दो फोटो, ठीक है। उसी के साथ आपको एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र की 2 कॉपियां लेकर के जानी है। अगर आप एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी मतलब एडमिट कार्ड आपको 2 प्रतियां लेकर के जानी है, जो एडमिट कार्ड आपका निकलेगा 2 एडमिट कार्ड लेकर के जानी है, ठीक है। एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हो आप, आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर पहचान पत्र। इसके बाद आ जाते हैं कि भैया गोला किससे भरेंगे ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट में दोस्तों 3 प्रतियां होंगी आपकी, एक ओरिजिनल होगी, एक गुप्त रखी जाएगी और एक आपको दे दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप मिलान कर पाओगे। दोस्तों भरना कैसे होगा, बाल पॉइंट पेन आता है 3 या 4 रुपए का, वो लिंक वाले पेन आते ना डॉट वाले, तो काला लेकर के जाना है, कैसा लोगे काला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहली पाली में जो आपको समय दिया जाएगा वो 9 से 12 यानी 3 घंटे का समय होगा प्रत्येक पेपर में। आपको पहुंचना कब है, 1 घंटे पहले, क्योंकि 30 मिनट पहले पेपर से 30 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो आपको पहुंचना कब है, 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे, ठीक है, 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर में आपको पहुंच जाना है और ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है अपने साथ में, ठीक है। अच्छा, अब बीच में आपको समय भी मिलेगा, समय कितना मिलना है, 12 बजे पेपर छूट जाएगा तो 1 बजे और आधे घंटे पहले, यहाँ पर भी वही सीन है कि आधे घंटे पहले यहाँ पर भी आपको प्रवेश दिया जाएगा, मतलब आधे घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा, आधे घंटे बाद नहीं, मतलब आपको यहाँ पर जो प्रवेश दिया जाएगा वो 1:30 बजे, ठीक है, 2 बजे से पेपर है तो आपको वहां पर 1:30 बजे प्रवेश मिल जाएगा। कुल मिला के बात ये, तो साथ क्या क्या लेकर जाना है, और ये अब ध्यान दो गलतियां क्या नहीं करनी है, पेपर हॉल पे बैठ गए अब आपको गलती क्या नहीं करनी है, पहले तो आपको अपनी ओएमआर सीट देख लेनी, भरना नहीं है, पहले देख लेनी है ओएमआर सीट कहीं कटी फटी तो नहीं है, उसमें 3 प्रतियां है कि नहीं है, उसका सीरियल नंबर सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अच्छे से समझना है एग्जाम हॉल में, जो वहां पर एग्जाम हॉल में जो भी टीचर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे भरना है, उनकी बातें सोच समझ लेना फिर भरना, हीरो मत बनना, ठीक है। अच्छा, जब आप भरोगे तो आपको ब्लैक बाल पॉइंट पेन से ही भरना है और अपना एडमिट कार्ड देख करके अच्छे से सोच समझ के भरना है, पढ़ करके, गलतियां मत करना। अगर गलती कर दोगे तो वहां पर व्हाइटनर नहीं लगा सकते हो, इरेजर नहीं चला सकते हो या फिर आप कटिंग नहीं कर सकते हो, अगर कर दोगे तो आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं की जाएगी, ऐसा निर्देश में दिया गया है, ठीक है, ओके ओके। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है कि आप ओएमआर सीट में कुछ गलत भर दो फिर उसके बाद में व्हाइटनर लगा दो, व्हाइटनर लगाओगे तो जो कॉपी चेक करता है ना वो इंसान नहीं है, वो मशीन है, तो मशीन जब कॉपी चेक करेगी तो वो बाहर कर देती है, क्योंकि वो व्हाइटनर जब लगा होता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाती है, पता नहीं लगा पाती है, ठीक है। तो जब भी कोई आंसर आप फिलअप करोगे पहले तो आप अच्छे से क्या कर लेना, पूरे प्रश्न कर लेना,
कॉपी में ही कर लेना जो जो आपके पास पेपर मिलेगा, क्योंकि पेपर और कॉपी दोनों सबमिट हो जानी है, ओएमआर शीट और पेपर, आपका पेपर मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो पेपर अच्छे से आप टिक लगा लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। या दूसरा तरीका यह है कि अगर एक क्वेश्चन आप करते जा रहे हो तो उसको गोला भरते जाओ कि हमने क्वेश्चन नंबर एक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर एक का गोला भर लिया है। दो तरीके से पेपर करते हैं, या तो आप पहले क्वेश्चन अपना कर लो अच्छे से, फिर लास्ट टाइम में बैठ करके मतलब जब हो जाए तो गोला भर लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाओ, उसके चक्कर में अपना टाइम लॉस बिल्कुल मत करो, ठीक है। जब आपने कर लिया सब कुछ उसके बाद में उसे उठाओ जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उन्हें उठाओ, फिर उनको करना स्टार्ट करो। अगर लगता है कि चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको पता है, इन दोनों में से ही कोई है, तो उन वहां पर आप रिस्क ले सकते हो। अगर उसके बारे में क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको रिस्क नहीं लेना है। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद में उस पर जाएंगे और ये देखेंगे कि वो क्या नहीं आ रहा था, गलती कहां पर कर रहे थे। अब बात आती है कि आपको रफली वर्क करने के लिए क्या आपको वहां पर क्या अलग से कुछ मिलेगा, रफ पेपर मिलेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, जो आपको बुकलेट मिलेगी, जो आपको पेपर मिलेगा, जो बुकलेट मिलेगी उसमें रफली वर्क करने के लिए स्पेस दिया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है, तो आप जिस भी मीडियम से हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, वहां पर लैंग्वेज चूज कर लेना, लैंग्वेज चूज करनी होगी वहां पे, और जिस वर्ग से आप होगे वो वर्ग भी चूज करना होगा उसमें, ठीक है। जिस वर्ग से होगे वो चूज करना होगा और जो लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी वो लैंग्वेज चूज करनी है, और बाकी चीजें आपको अच्छे से भरना, पहले ऊपर भर लेना उसके बाद मिला करके गोला भरना, जो हमें अपनी जानकारी फिलअप करनी होती है तो वहां पर ब्लॉक दिए होते हैं ऊपर, जैसे रोल नंबर भरना है तो ब्लॉक दिए हैं, तो ब्लॉक में हमने अपना रोल नंबर भर लिया, उसके बाद में नीचे क्या करना होता है कि 0 से लेकर 9 तक के अंक दिए होते हैं, उनको गोला गोला करना होता है। तो जब गोला गोला करेंगे ना, जब गोला गोला करेंगे तो हम ऊपर से मिलाते हुए करेंगे कि 0 पे हमको गोला गोला करना है, कि 1 पे गोला गोला करना है, कि 3 पे गोला गोला करना है, कि 4 पे गोला गोला करना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। गलतियां बहुत होती हैं, तो गलतियां आपको नहीं करनी, इससे मैं पहले से ही आपको सारी चीजें समझा के भेज रहा हूं। पानी की बोतल जरूर लिख करके जाना, आराम से पेपर देना, 3 घंटे बहुत है। पहला पेपर तो 1 घंटे में आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि तैयारी कहां से कर रहे हो, यहां से, तो फिर कैसे पेपर में समय वेस्ट होगा। पूरा पेपर आराम से कर लोगे, 2 घंटे तो मौज करनी। दूसरे पेपर में क्या है कि रीजनिंग में आपको 2 घंटे, वही मतलब कुल मिला के दूसरे पेपर में भी आप 2 घंटे में निपटा दोगे, 1 घंटा बच जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं, जो विज्ञान वर्ग के हैं, उनको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उनको मैथ्स के भी क्वेश्चन करने होंगे, तो सफिशियंट है उनके लिए समय, ठीक है, फिर भी बचा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, बाकी मैंने बता दिया है कि जब एग्जाम देने जाओगे 2 फोटो, 2 एडमिट कार्ड, 1 ID proof और बाल पॉइंट पेन लेकर के जरूर जाना, ठीक है। हालांकि अगर अंदर ले जाने दे रहे हैं इरेजर और पेंसिल तो ले जा सकते हो, क्योंकि पेंसिल से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान रहता है, मुझे ऐसा लगता है, पेंसिल ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं से हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, हमारी जानकारी सही लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। क्लासें मैंने आपको सारी दे दी हैं, कौन कौन सी क्लासें, सारी मास्टर क्लासें हिंदी की, रीजनिंग की मैं आज करा दूंगा, और कौन सी दे दी है, जीके की, ओके, साइंस वाली की भी आज मैं करवा दूंगा। जय हिंद सभी को, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।